राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम कान्हाजी रिलेटेड क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं। आज जो मैं बनाना सिखा रही हूँ वो है कॉटन ड्रेस फॉर कान्हाजी, जिसके लिए इस तरह से मैंने कॉटन का प्रिंटेड फैब्रिक ले लिया है। आप कोई सा भी प्रिंटेड या प्लेन फैब्रिक ले सकते हैं। ये मैंने 30x3 इंचज़ की स्ट्रिप ली है। ये मैं इंडियन स्टाइल में बना रही हूँ, इसीलिए मैंने लेंथ 3 इंचज़ ली है। ये मैं 2-3 नंबर के कान्हाजी के लिए बना रही हूँ। इसे हम जस्ट 3 साइड से सिंपली हैम कर लेंगे। आप अगर हैमिंग नहीं करना चाहते तो आप इसके अराउंड रिबन हैम कर सकते हैं। 3 साइड से स्ट्रिप को हमने नॉर्मली हैम कर लिया है। अब जो 4th साइड बची है उसमें हम इस तरह से चुनौटी डालेंगे। चुनौटी थोड़ी बड़ी साइज़ की डालेंगे क्योंकि हमने स्ट्रिप की लेंथ ज़्यादा ली है, विड्थ भी ज़्यादा ली है, तो इसीलिए हमें बड़ी बड़ी चुनौटी इस तरह से डालनी है। और यहाँ से 4 to 5 इंचज़ की वेस्ट रख लेनी है। ये हमने 4th साइड पे चुनटे डाल के फ्रिल बना ली है। फ्रिल बनाने के बाद इस तरह से हम वेस्ट बैंड लगाएंगे। वेस्ट बैंड के लिए मैंने 6x1.5 इंच की स्ट्रिप ली है, जिसको इस पर इस तरह से उल्टा प्लेस करेंगे और स्टिच करेंगे। एक बार इस तरह से स्टिच करेंगे, देन इसे इस तरह से उल्टा फोल्ड करेंगे और ये जो स्ट्रिप है इसको इधर वाली साइड लाएंगे। ये इस तरह से यहाँ पर स्टिच हो गई, देन हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पर, तो ये वेस्ट बैंड लग जाएगा। वेस्ट बैंड लगाते टाइम हम डोरी भी इंसर्ट कर देंगे एक ही स्टिच में, जिससे हमारे पास कंप्लीट ये जो वर्क है वो आ जाएगा। आपको क्या करना है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से स्ट्रिप को दोनों साइड से हैम करिए हल्का हल्का, और बीच में फ्लेयर को रखिए और साथ साथ डोरी को रखिए और इस तरह से इस पर वेस्ट बैंड को स्टिच कर दीजिए। वेस्ट बैंड लगाने के बाद जब हम डोरी को टाई अप करेंगे तो ये घेरा ऑटोमेटिकली राउंड शेप में आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे क्योंकि हमने स्ट्रिप की लेंथ ज़्यादा ली थी, तो इजीली राउंड शेप में घेरा आ जाता है। अब बारी आती है चोली की। चोली के लिए सिंपल आपको स्ट्रिप रेडी करनी है, जैसे हम नॉर्मली चोली में करते हैं। मैंने यहाँ पे 2.5x10 इंचज़ का फैब्रिक लिया है, जिससे मैंने इस तरह से स्ट्रिप बना ली है। अब इस स्ट्रिप को हमें इस तरह से करना है, ये देखिए, लूप शेप में पकड़ना है और घेरे के मिड में अटैच कर देना है इस तरह से, जिससे ये ड्रेस कम्प्लीट रेडी हो जाएगी बनने के बाद। तो ये ड्रेस बनके रेडी हो चुकी है। ये है इसका फाइनल लुक, आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ आप मैचिंग की कैप भी बना सकते हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ये है इस ड्रेस का आफ्टर वियर लुक विद कैप। तो आपको भी अगर समर्स के लिए कोई बेसिक सी कॉटन ड्रेस बनानी है तो आप इस वे से बना सकते हैं। बहुत ही ईजीली बन जाती है और बहुत ही कम फैब्रिक में बन जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरे आने वाली नोटिफिकेशन